जी ललित नारायण झा और अपने लोग देख रहा है मिथिला मिरर। तो मिथिला मिररक आज विशेष भेंटघाट कार्यक्रम में अपने लोगों के बहुत बहुत स्वागत है। संसद के शीतकालीन सत्र चल रहा है और आजुक जो बातचीत हमरा सब करब वो खास कर राजनीतिक है। आई एक राजनीतिक सिद्धस्थ चेहरा के हमरा सब लोग अपने लोग सामने अलौं है। झंझारपुर लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी सांसद वीरेंद्र कुमार चौधरी आई हमरा सब संग छ। तो हिनका से बहुत रास चीज बहुत रास विषय पर चर्चा करब आ जाना चाहब कि संसद के शीतकालीन सत्र में मिथिला और खासकर झंझारपुर मधुबनी के लिए से कौन कौन प्रश्न के वो मांग कलन है, सरकार दिस की जवाब भेटलन है, स्थानीय जे जगह छे वही पर कौन कौन तरह काज अखन तक एक डेढ़ साल के दरमियान में सांसद जी केला है। सर बहुत बहुत स्वागत है यहाँ के मिथिला मिरर। सबसे पहिल सवाल जे संसद के शीतकालीन सत्र चल रहा है, इस सत्र में जे छे अहां द्वारा कौन कौन मुद्दा उठायल गेलै है आ ओकर जे छे से जे पूर्व में जे कोनो चीज उठायल छलै तो सरकार द्वारा कौन कौन तरह जवाब अखन तक भेटलै है। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी। जी सर्वप्रथम एहि सत्र में जी हमर प्रयास रहल है जे रेलवे आमान परिवर्तन होय जी जे वास्ते हम क्वेश्चनों कलौ मंत्री जी से मिल के वार्ता कलौ। मंत्री जी आश्वस्त रहा जे एहि वित्तीय वर्ष में आमान परिवर्तन के लिए बजट में पैसा दी जी। संगे संग हम रेल मंत्री से आग्रह कलिये मिथिलांचल में बहुत बड़ा आबादी छे, ओहि आबादी में एकटा कम्प्यूटराइज झंझारपुर छे, दोसर जयनगर छे, एहिसे काम नहि चलत। चारि जगह के और हम डिमांड कलिये तमुरिया खजौली कुटौना अंदरा ठाड़ी और लोखा पांच पांच जगह जी। संगे संग झंझारपुरक जे स्थिति छै जे ओवर ब्रिज के आवश्यकता छै बहुत जगह जी, जाहिमे झंझारपुर रेलवे स्टेशन पर मे पूर्व कैथिनिया गुमती पर जी, झंझारपुर बाजार के नजदीक राम चौक रेलवे गुमती पर जी, मधुबनी रेलवे स्टेशन के चकदह गुमती जी जी, और NH 105 सहित चौक जयनगर में फ्लाई ओवरक बहुत बड़ी आवश्यकता छै। हर समय लोग यातायात में डिस्टर्ब रहै छै जी। ट्रेन के विस्तारीकरण छै, चूंकि मिथिलांचल के एतेक बड़का आबादी छै जे दरभंगा में टिकट नहि भेटै छै, आब भरि भरि दिन 24-24 घंटा लोग के रहऽ पड़ै छै, ओहि विस्तारीकरण के लेल हम आग्रह कलियन हैं जे जयनगर आनंद विहार गरीब रथ जे छै जे सप्ताह में एक या दू दिन ओकरा प्रतिदिन चलाबै के लेल हम रिक्वेस्ट कलियन हैं, वो करीब करीब स्वीकार कर। ठीक छै, बहुत बढ़िया। बिहार संपर्क क्रांति के जयनगर तक विस्तार कयल जाय जे अखन तक दरभंगा से चलै छै। पवन एक्सप्रेस के सेहो विस्तारित के लेल हम आग्रह कलियन हैं। आई तीनों चीज नोट कला रेल मंत्री जी जी आश्वासन दला आज हम निश्चित रूप से सफल कार्यान्वयन करब। ठीक छै, बहुत बहुत बढ़िया। रेलवे में बहुत रास चीज भेलै है, चाहे आमान परिवर्तन जे छै से एकटा बहुत बहुप्रतीक्षित परियोजना कह सकै छी, खास कऽ मिथिला के संपूर्ण मिथिला के एक दोसरा से जोड़बा के लेल। एहिसँ आगाँ बढ़ी कने मधुबनी में केंद्रीय विद्यालय एहि पर बेर बेर प्रश्न उठैत रहलै है, अहाँ सरकार लग प्रश्न लगेलहुँ, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अहाँके चिट्ठी भेटल जे चिट्ठी अहाँ हमहुँ देने छलहुँ हैं, लेकिन तथापि जे छै से स्थानीय स्तर पर लोक एकटा मुद्दा बना रहल छै जहन कि हकीकत ई छै जे राज्य सरकार जमीन आवंटन नहि करै छै, तऽ किए आई मतलब 2006 के मुद्दा जे छै से 2015 भऽ गेलै आ 16 भेल जा रहल छै, किए पेच फँसि रहल छै अखन? दरअसल में बिहार सरकार के नियत साफ नहि छै और केंद्रीय विद्यालय मधुबनी मधुबनी में भेनाय बहुत जरूरी छै, जे 50 लाख से ऊपर आबादी छै, सीमांचल इलाका छै, नेपाल बॉर्डर छियै, बॉर्डर इलाका छै, और मधुबनी जिला में दर्जनों कॉलेज छै, सैकड़ों हाई स्कूल छै, और विद्यार्थी के एतेक मारामारी छै जे दोसर जगह जाय के लिए ललायित छै। ठीक छै, हम सरकार से आग्रह के लिए जवाब दला जे हमरा सरकार ने बिहार सरकार जमीन उपलब्ध करा रहल है, तो मैं आश्वस्त करै छी जे सत्र समाप्त भेला बाद फरवरी में कोनो न कोनो डेट में डीएम से हम पहले बात करबे, जो डीएम अस्वीकार करत तो हम वही ठाम हम धरना पर बैठबे और सेंट्रल विद्यालय जना हेते जे कीमत पर में हेते हमर प्रयास रहत जे हम करा के रहब। ठीक छै, एहि के बाद आगा बढ़ी विकास के अगर बात होइ छै तऽ बलिराजगढ़ एकटा बढ़िया नाम छै, बलिराजगढ़ के सौंदर्यता के लेल राज्य सरकार कतेक बेर ओहिठाम खुदाई शुरू करबेलकै, लेकिन पता नहीं किया ओ एक महीना दू महीना जा तो खुदाई जे छै से बंद भऽ जाइ छै। केंद्र सरकार के जे अहाँ केंद्र सरकार लग जे नोटिफिकेशन अहाँ या बातचीत अहाँ केने छलहुँ हैं, ओहिके बाद जे एकटा उम्हर से नोटिफिकेशन एलै ओहिमे ई लिखल गेल छै जे केंद्र सरकार लग कोनो एहि तरहक जे छै से बात अखन तक नहि निकलि कऽ एलैए, तऽ की राज्य सरकार जे स्थानीय मिथिला के लोग छथि तिनका गुमराह कऽ रहल छथिन या फिर इहो मुद्दा जे छै ताहिमे राजनीतिकरण कयल जा रहल छै?
अहू मुद्दा में कतौ न कतौ राजनीतिकरण छै, चूंकि हम अहू सत्र में क्वेश्चन केने छलिए, हमरा जवाब आयल जे भारत सरकार के तरफ से कोनो दिक्कत नहीं छै, हमरा जते पैसा लागत हम सहयोग करब, लेकिन बिहार सरकार के रुचि लिए पड़ते, बिहार सरकार के काम छै, बिहार सरकार जहिया हमरा लिखता तहिया हम बलिराजगढ़ के पर्यटन स्थल बनबे के लिए सब तरह तैयार छी। बिहार सरकार एक तरह से जना निश्चिंत भ के पड़ल छै, कोनो इंटरेस्ट नहीं छै, जबकि पर्यटन स्थल बनला से बिहार सरकार के सबसे बड़का लाभ छै। बिहार के आमदनी नहीं छै, बिहार एक की कहे छै जे सिर्फ खेती पर निर्भर छै, इंडस्ट्री नहीं छै, तहना स्थिति में पर्यटन स्थल के जे बढ़ावा देल जेतै तो बिहार सरकार के से बहुत लाभ हेतै। कई राज्य एहन छै जे पर्यटने स्थल पर में चलि रहल छै, जम्मू कश्मीर सब कथी छै, बिल्कुल सिर्फ पर्यटन स्थल के एतेक बड़का आमदनी छै जो राज्य सरकार चलि रहल छै, तहना बिहार में एकर आवक कई जगह छै, वैशाली छै, राजगीर छै, बुझलहुँ कि नहि, कई जगह एहन छै मिथिलांचल के, तऽ कई जगह दरभंगा भऽ गेल, की कहै छै राजनगर छै, जे वास्ते हम क्वेश्चन के लिए राजनगर के वास्ते बार बार क्वेश्चन के लिए ओकरा पर्यटन स्थल में लायल जाए, लेकिन वो जवाब नहीं, वह दै छै जे बिहार सरकार इंटरेस्टेड नहीं है, बिहार सरकार के या रुचि ले तहिया हम भरपूर मदद। ठीक है, अहाँ ओहिठुनका सांसद छी, जनप्रतिनिधि छी, तो स्थानीय जे आदमी छै तकरा लऽ कऽ एकटा सत्याग्रह किया नहीं कयल जाए, राज्य सरकार पर दबाव बनायल जाए, चूंकि अहाँ लग अखन पूर्ण समर्थन के सरकार अछि, केन्द्र में अहाँ लग लोक अछि, बस अहाँ के थोड़े एकटा काज करबाक छै, जाहिमे सिर्फ अहिटा के हम नहि कहि रहल छी, ओहिमे मीडिया के सेहो एकटा अहम जिम्मेदारी बनै छै, आ तेसर जिम्मेदारी बनै छै जे ओहिठुनका आम लोक छथि हुनकर, जे सब गोटा मिलकर जे छै से कारण अखन तक के जे सरकार रहलैए ओकरा ओकरा लेल उत्तरी बिहार नहि कोनो वोट बैंक छै, लेकिन हकीकत ई छै जे एहि बेर सबसे बेसी वोट जे छै से महागठबंधन के ओतहिये से भेटलैए, जो अप्रत्याशित छलै, लेकिन तथा सबसे बेसी सीट ओतहिये से एलै, लेकिन सबसे बेसी उपेक्षा जे छै से ओहिठाम कयल जा रहल छै। की अहाँके नहि लगैए कि सत्याग्रहक आवश्यकता छै, जेना अपने कने काल पहिले अहाँ कहलहुँ कि अगर जिलाधिकारी कलेक्टर अगर हमरा एहि विषय पर आश्वस्त नहि करता तऽ हम ओतहिये से अनशन करब, तऽ एहन एहन चीज के लऽ कऽ किया नहि जमीन पर जायल जाए? निश्चित रूप से बहुत नीक सवाल अहाँके अछि, हम एकर समर्थन करै छी, और हमर प्रयास रहत जे मिथिलांचल के एक एकटा जे राष्ट्रीय मुद्दा छै, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा कहियो, जनकपुर नजदीक में छै, और सीता महारानी के, सीता मैया के ओहिठाम रामायण सर्किट से नहि छै ओतय मिथिलांचल में, हाँ तो हम प्रयास करबै जे जै हेतै धरना प्रदर्शन केला बावजूद, जे धरना प्रदर्शन जनता के साथ लऽ कऽ एक एक सवाल के हम सत्याग्रह कऽ अनशन कऽ कऽ सरकार के सामने उठेबै, और भारतो सरकार एहिठाम अपन बात रखबै, और हमरा विश्वास अछि जे यदि बिहार सरकार कनियो रुचि लेतै तऽ भारत सरकार हमरा पूर्ण मदद करत। संगे संग रांची एकटा महत्वपूर्ण जगह छै, जाहिठाम आकाशवाणी FM के लेल 2003 मे अखन जे वर्तमान मंत्री रविशंकर प्रसाद जी वह ओकर शिलान्यास केने रहथिन, फिर हम क्वेश्चन के लिए जीरो आवर के माध्यम से फिर हम आग्रह के लिए जीरो आवर के अहाँ के देखियो देने जी, 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 हम आग्रह के लिए जे रांची एकटा मिथिलांचल के हर्ट जगह छै, मधुबनी मिथिलांचल के मध्य में पड़े छै, एहिठाम आकाशवाणी भेला से FM चलला से दरभंगा मधुबनी सहरसा सुपौल सीतामढ़ी एतेक जिला के लाभ हेतै, तैं हमर आग्रह है जे आकाशवाणी के स्थापना मधुबनी में जरूर कयल जाए। ठीक है, बात करिए अगर मोदी सरकार के, तो मोदी सरकार युवा कौशल या फिर हैंडीक्राफ्ट एहन एहन जे चीज छै तकरा बढ़ावा देबाक नव नव परियोजना लोकायब रहला है जे सराहनीय छै, तखन युवा कौशल विकास मंत्री होय या फिर एहन तरहक जे मंत्रालय छै से अखन बिहार लग छै, तब चाहे ओहिमे सिक्की मौनी होय, चाहे ओहिमे मिथिला पेंटिंग होय, तऽ एहन एहन तरहक जे अहाँके कलाकृति अछि जे विश्व प्रसिद्ध छै, लेकिन जमीनी स्तर पर ओकर कोनो अथी नहि छै, जे बना रहल छथि ओ उपेक्षित छथि, आ जे बाहरसँ लोक जाकऽ ओहिठाम काज कऽ रहल छै, 10 टका मे खरीदै छै, ओकरा 10,000 मे जाकऽ बेचै छै, तऽ की ओहि मंत्री सबसँ व्यक्तिगत रूपसँ अहाँ जाकऽ भेंट कऽ कऽ जे आदमी ओहि व्यवसाय मे लागल छथि, जे आदमी ओहि कला के संस्कृति के जिया कऽ रखने छथिन, हुनका लोकनिक संवर्धन के लेल किया नहि किछु काज कयल जाए? निश्चित निश्चित रूपसँ इहो क्वेश्चन बढ़िआँ है, आ कला के नाम मे खास करके पेंटिंग कला के नाम मे मधुबनी के देश नहि विदेश में नाम चलि रहल छै, हमर प्रयास रहत एतुका संस्कृति मंत्री से मिलके। ठीके कहलहुँ, एहिठाम दिल्ली में जे देखै छी से हमरा एहिठामक लोक जे कलाकृति वला है आबे भटक रहल, ओकरा प्रोग्राम में जगह नहि भेट रहल छै, जे हम अपन कला के प्रदर्शन करब, हम कला संस्कृति मंत्री से मिलके आग्रह करबनि जी एकटा
मिथिला के धरोहर छे, देश के धरोहर छे, देशो एकरा लग कई जगह एकर गुणगान करी छे। ते हमर आग्रह रहत जे अहू वास्ते हम कला संस्कृति मंत्री से मिलकर कई एकरा उत्थान के लेल जतेक संभव छे सब प्रयास कर। एकटा चूंकि छै कि आई के डेट में जे चीज के पब्लिसिटी नहीं होइ छै, जकरा बाजारीकरण नहीं होइ छै, उपेक्षित भए जाइ छै। एकटा छोट सन उदाहरण अहाँ लग हम प्रस्तुत करय चाहब। अहाँ के पिरिकिया ओ अहीं के घर से बनले, लेकिन आई ओ पिरिकिया जे छै से बाजार में गुजिया बनकर ओकरा जे छै से गुजरात कहि रहल छै, हमर है ओडिशा कहि रहल छै, हमर है। लेकिन हम देख रहल छी जे हमरा घर के हमर माय बहिन के बनायल पिरिकिया बस ओ पाबिने तिहार में रह गेलै, लेकिन ओ गुजरात में जाके, महाराष्ट्र में जाके, बंगाल में जाके ओकरा जे छै से पॉलिटिकल हाइप, मतलब एकटा जे छै से पॉलिटिकली ओकरा बनायल गेलै और ओकरा बाजार में उतारि देल गेलै। तऽ किया नहि सांसद, सिर्फ अहिं टा के बात हम नहीं कर रहल छी, सिर्फ वीरेंद्र चौधरी के हम बात नहीं कर रहल छी, जे मिथिला के जत्ते गोटा सांसद छै से अपन संसदीय कोष से एकटा छोट सन फंड लऽ कऽ, किया नहीं एकटा मतलब साल में एक बेर या छह महीना में एक बेर एहन तरहक एकटा छोट छीन सेमिनार करैत, चाहे ओ पटना में करैत या अपन संसदीय क्षेत्र में करैत, ताकि एहन एहन तरहक जे चीज छै ओकरो जियाल जाय। ठीक, बढ़िया बढ़िया सवाल ही हुए जी। और हम चाहब जो दूसरों सांसद से मिलके पर में विचार विमर्श करी जी। और हमरा यथासंभव रहत एक आध साल के अंदर में कोनो अपना संसदीय क्षेत्र में हम चाहब एक तरह प्रदर्शनी लगा के एक चीज के की कहै छै जे पूरा विकसित कयल जाए समाचार में मीडिया, और मीडिया से सेहो आग्रह कर दोसर राज्य में जे किछ होइ छै मीडिया तो चौथा स्तंभ छियै, और मीडिया यदि चाहते तो कोनो न कोनो चीज के एतेक हाईलाइट कर देते, यानी एक एकटा चीज के आठ दिन छह दिन तो अपने हाईलाइट कर देते। न्याय हम कहलिए कल छपल के छोड़ देलकै तो फिर नहीं बढ़ते। तैं मीडियो से हम आग्रह करबै जे सब चीज में जे मिथिला के धरोहर छै, मिथिला के विकास के लेल जे चीज छै, तैमे सब चीज बिसरि के ओ हुनका अपनो चाही, मिथिला के विकास के लिए हमरो प्रयास रहक चाही, से हम मिथिलांचल के मीडिया से सोबा कर। ठीक, मिथिला मिरर के किछ रास प्रश्न एलैए सोशल मीडिया पर, फेसबुक ट्विटर ई सब पर किछ रास प्रश्न एलैए जे सांसद जी से अगला इंटरव्यू अहां करब तब हुनका ई चीज जरूर कहबनि जे क्षेत्र में सेहो समय देथिन, की ई अहां के लागैए कि सही हुनका लोकनिक प्रश्न छनि, या क्षेत्र में जे अहां समय दऽ रहल छी ओ ओतेक पर्याप्त समय नहि छै जे हुनका। 100% जनता के मांग सही छै जी, और जनता चुनै छै जी, एही दुआरे जे सत्र समाप्त हुए और जनता के बीच में जनप्रतिनिधि जाए जी, हमर यह प्रयास रहित है। और एहि तरह उपरांत कोई महान भाव के होइ छनि जिनका गांव गेलहुँ ओ नहि भेटला तऽ ओकरा कता जे हमरा गांव नहि अलौ, लेकिन संसदीय क्षेत्र बहुत बड़का टा छै, 1700 गांव छै झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में, 6 विधानसभा छै, एक तऽ संभव नहि होइ छै, लेकिन हमही एकटा एहन सांसद छी जे चुनाव जीतला बाद प्रायः 50% गांव के दौरा हम कऽ चुकलहुँ हैं, आ 50% जे बाकी छै साल में है दू साल में है, लेकिन एक एकटा गांव के दौरा हम निश्चित रूप से करब, जनता की उपराग हम समाप्त करब। ठीक, ग्राउंड मतलब जमीनी स्तर पर शहर जमीन पर की काज भेलै अहाँ के माध्यम से, 1.5 साल से बेसी के कार्यकाल भऽ गेलै, बीच में कनेक दिन अति आचार संहिता छलैए लागल चुनाव के लगभग, बिहार विधानसभा चुनाव के लगभग, लेकिन तथापि जे छै से सेंट्रल के कोन कोन परियोजना अहाँ के माध्यम से जे झंझारपुर लोकसभा में अखन तक जमीन पर उतरलै। दरअसल में सबसे बड़का दुर्भाग्य छै जे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सरकार नहीं बनल, यदि ये सरकार बनते तो हमू सब किछु करितौं आ किछु काम कऽ के दिखेतौं, चूंकि विपरीत सरकार छै ओकर जे पदाधिकारी छै भारतीय जनता पार्टी के सांसद के बात सुनि लै छै जरूर, लेकिन काज एकोटा नहि करै छै। हम 36 योजना अपना ऐच्छिक कोषसँ निकललियै, ताहिमे से 3 योजना कार्यान्वयन भेलै, 33 योजना हमर जस के तस पड़ल रहि गेलै, आइ तक नहि भेलैए। एवं प्रकारे 26 रोड के हम प्रधानमंत्री सड़क योजना के शिलान्यास कयलहुँ जकर बोर्ड लागि गेलै, लेकिन एकोटा काम में काम शुरू नहि भेलै, जनता उपराग दैए जे शिलान्यास कोन काम के। तऽ एहि तरहक भेदभाव बिहार सरकार के द्वारा हमरा सब संग बरतल जाइ छै, जँ बिहार सरकार आइ कॉपरेट करे तऽ हमरा तऽ 24 समय देनिहार छी, जे समय दिल्ली से बचैए क्षेत्र में जाइ छी, एक एक जनता के बीच में एक एकटा जनता के दुख के साथ दर्द के साथ हम रहे लेल तैयार छी, ओहिठाम हमरा कतौ कमी नहि है, जखन जनता याद करे हम जनता के बीच में पहुँचै छी। ठीक छै, चलिए अपन बातचीत के कने मिथिला मैथिली आंदोलन दिस जे छै से कने घुमायब आवश्यक छै, कारण बिना एहि के कोनो हमरा नहि बुझाय जे साक्षात्कार सफल रहतै।
मिथिला राज के पक्षधर हूं छी, मिथिला राज अहूं के चाही, सबके मिथिला राज चाहिए, लेकिन मिथिला राज के जे मांग छै से नहीं भ रहल छै। जतेक मैथिल संस्था छै सबके अपने में जे छै से मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना वाला बात छै। किया मिथिला राज के आंदोलन किया ओहि हिसाब से अपने जोर नहीं पकड़ रहा है, अहू सब पर बेर बेर ही आरोप लागि रहल है कि इनका सबके जखन चुनाव लड़वाक रहे छन या तो शपथ लग अपन खाना पूर्ति कह दी संसद में आ भ गए मिथिला राज, फिर अगला बेर चुनाव लड़वाक हेतन तखन फिर मिथिला राज इनका सबके देखा छन। तो की छै अंतर विरोध आम जन आ जे जननेता छै तिनका बीच में? सच्चाई जे छै जी तैसे हम सब भटक रहल छी जी। मिथिला राज के जतेक आंदोलन करे छै गलत जगह में करे छै। मिथिला राज के आंदोलन बिहार में हेबा चाहिए, पटना के धरती पर में हेबा चाहिए। मिथिला राज वास्ते बिहार सरकार जे छै ओ ओकरा संशोधित करती, ओकरा लिखते भारत सरकार के तखने बनते। एम्हर दिल्ली में कतबो धरना प्रदर्शन करबे तो दिल्ली सरकार के, भारत सरकार के, दिल्ली सरकार के से कौन मतलब छै? राज्य बनते आ झारखंड अलग भेले, बिहार सरकार रिकमेंडेशन केलकै तखन अलग भेले। जाबत बिहार सरकार इंटरेस्टेड नहीं हेतै, जाबत बिहार सरकार पर हम दबाव नहीं बनेबे, मिथिलांचल के जनता दबाव नहीं बनेते, ताबत राज के परिकल्पना केनाइए गलत छै। दिल्ली में धरना प्रदर्शन से कहियो संभव नहीं छै। हम सब मिथिलावासी के आग्रह करब, जतेक एहिठाम लगैए दर्जनों संगठन चलबै छी, हुनका से आग्रह करब जे एक बेर अहां पटना के धरती पर में लगातार दू दिन, चारि दिन, पांच दिन प्रदर्शन करू, मीडिया में जाए और चर्चा के विषय बने, एहिठाम से दिल्ली तक मैसेज अबे जे मिथिला के एतेक बड़का भूखंड छै, एतेक बड़का इलाका छै, मिथिलांचल एकटा राज्य के लेल सक्षम छै, तैं ओहिठाम मिथिला राज्य हेबाक चाही। ते वास्ते हम सबसे आग्रह करब जे अदर जगह छोड़ के, कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई छोड़ के, मिथिला राज्य के मांग बिहार में हेबाक चाही, पटना में हेबाक चाही, दरभंगा में हेबाक चाही। बिल्कुल ई करब चाही। बिल्कुल वाजिब, अहां के जे बात है, अहां के जवाब है, बिल्कुल वाजिब है। आ कनेक जे छै से कहल जाय छै नेपाल सँ खास कर जे उत्तरी जे क्षेत्र छै तैसँ मिथिला के बेटी रोटी के संबंध छै, कारण ओ अपने अंग छलै, अब जेना एका तुका भेलै ओहि पर बातचीत नहि कऽ कऽ। सीरिया में अगर पांचटा चारिटा भारतीय फंसै छै तऽ भारत सरकार के हाथ पैर एकदम थरथरा लगै छै, फूलि जाइ छै, लेकिन 19टा जिला नेपाल में छै और करोड़ों के संख्या में मधेसी जकरा कहल जाइ छै जे मैथिल छै हमर अहाँके भाय बहिन, हुनका सब पर अत्याचार भ रहल छै, एहि के विषय पर किया नहि अहाँ सब संसद में आवाज, या फिर किया नहि मिथिला के नेता एहि विषय के जे छै से भारत सरकार पर दबाव बनाबै छथिन? आ हमरा बुझने जे मोदी सरकार के अखन तक के जे अहाँके वैश्विक नीति रहलैए, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बढ़िया नीति रहलैए, लेकिन एहि डेढ़ पौने दू साल के दरमियान नेपाल के लऽ कऽ, नेपाल में भूकंप भेले, नेपाल के प्रधानमंत्री जते काल में सोचला तैसे पहले भारत एक राहत सामग्री लगकर चल गए, ये पूरा विश्व हक्का पक्का रह गए, लेकिन मधेसी के मुद्दा पर नरेंद्र मोदी के फेलियर, भारत सरकार के फेलियर, ये बहुत पैग इशू छै। किया नहीं अहाँ सब जैसे मतलब व्यापकता के संग उठाबै छी संसद में? मधेसी दरअसल में हिन्दुस्तानी छिए, बिहारी छिए, ओकर आबादी ओहिठाम अधिक छै, आ पेटी रोटी के संबंध छै दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी में घनेरो शादी विवाह छै, बेटी बेटा के शादी विवाह छै। और एहि वास्ते विदेश मंत्री के हम पत्र लिखलिए, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिन्दुस्तान टाइम्स सब में हमर पेपर में न्यूज छपले जे मधेसी के संग जे दुर्व्यवहार भ रहल छै, मधेसी के संग जे कहै छै जे तोर एहिठाम नागरिकता छल लेकिन हम वोट दै के अधिकार तोरा नहीं रह देब, के वास्ते हम भारत सरकार के पत्र लिखलिए। भारत सरकार ओहि पत्र के हमरा जवाब नहीं दिलक, देने के तहत हम लिखला देता हूं, लेकिन हमर प्रयास है जे अखनो भारत सरकार से मिलकर मधेसी के निराकरण करे के लेल जतेक प्रयास हुआ चाही। और हमरा लगे जे विदेश मंत्री संबंध में वार्ता कलकैए, करीब करीब रास्ता पर वार्ता आयल जाय छै, हमरा विश्वास है जे एक आध महीना में निश्चित रूप से मामला निपट जेतै। ठीक छै, तऽ विकास के दृष्टि से देखी तऽ कोन कोन एहन काज छै जकरा अगर मिथिला के जमीन पर इम्प्लीमेंट कयल जाय अहाँके नजर में, जाहिमे एकटा आम जनमानस के माध्यम एकटा आंदोलन बनेबाक काज छै, और वो अगर चीज भऽ जाय जाहिमे, चूंकि अहाँ पहिले कहलहुँ जे कृषि एकटा बहुत बड़का अथी छै, राजनगर में कृषि कॉलेज या फिर कृषि विश्वविद्यालय के लेल अहाँ मांग से केने रही, ओहिमे पूसा से एकटा मांग छलैए, तऽ एहन एहन जे मांग छै ओकरा कोन हिसाब सँ द्रुत गति से आगाँ बढ़ायल जाय? हम भारत सरकार के सब विभाग के पत्र लिखैत रहै छी, अखनो फेर पत्र लिखलिए, चूंकि मिथिलांचल में कृषि के अलावा दोसर कोनो चीज छैहे, तऽ कृषि हेतै कोना, तऽ कृषि के लेल बिजली चाही,
जावत सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तावत कृषि उत्पादन संभव नहीं है। जो बिजली नहीं दी छे तो हम भारत सरकार से आग्रह के लिए बिहार सरकार के पत्र लिखल लिए कि कई नदी छे, सुगरबे नदी छे, बसरजबा नदी छे, पीहुल नदी छे, अदवारा नदी छे, इस सब नदी पर में यदि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर में सुलिस गेट की व्यवस्था कर दिया जाते तो निश्चित रूप से मिथिलांचल जो है आई हरियाणा और पंजाब से अधिक उन्नतशील कृषक के रूप में जानल जेते, अधिक उपजाऊ हेतु जमीन हमारा ठामक जते उर्वरक जमीन है जरा सिंचाई की व्यवस्था भ जाए सब तय पर उपजा हेतु और मिथिलांचल सिर्फ खेतिये पर में निर्भर रहते तो काफी सुखी संपन्न इलाका। ठीक है, खेती के बात भर है, खेती हम सब उपजा तो ले हमारा एठुनका किसान है तो आलू अखन आलू के मौसम है आलू अखन 3 रुपए 2 रुपए बिका रहा है जमीन पर, लेकिन वह किसान 3 महीना बाद अपने उपजायल आलू जो है से 10 रुपए खरीद के आने अहू आने खरीद के तो अखन तक मधुबनी जिला में एकोटा कोल्ड स्टोरेज नहीं है। किया दरअसल में मधुबनी जिला के किसान के एकोटा के जे तरह के रुचि राखक चाहिए वो रुचि नहीं है, किसानों के रुचि राखक चाहिए। आई जे कोनो किसान तैयार हो जे हम कोल्ड स्टोरेज खोल हम उनका तन मन धन से साथ देवे, हम चाहे चीज एक नहीं यानी प्रखंडवास कोल्ड स्टोरेज खुल जाए, यदि ये तरह व्यवस्था भ जेते तो खेतियो करे में रुचि आबि जेते किसान के। जे किसान आई तक सब्जी नहीं उपजाब चाहत है एकटा कुसुमहे टा सब्जी नहीं उपजबे छे, सब वर्गक लोग सब्जी उपजबे छे, यदि कोल्ड स्टोरेज भ जेते तो सब में एकटा उत्साह जाग जेते जे हमर आप जे फसल है से सुरक्षित रह। लेकिन किसान ओहिठामक एकोटा एक्टिव नहीं छे, ने चाहि रहल छे जे हमरा एहिठाम कोल्ड स्टोरेज हुए। हम तो कई दर्जनों लोग के कहलिए तू कोल्ड स्टोरेज खोला हमरा से जते सहायता हेतु हम सहायता करब, लेकिन वो तैयार हेतु किसान तक नहीं हेतु। बहुत रास विषय पर हमरा से बात कलूँ और हर एक जे छे से बहुत रास में दिखगर सवाल से हो छले जे डायरेक्टली हिनका से पूछल गलन और बड़ा निक जना इस तमाम सवाल के जवाब दिला, चाहे वो संसद के शीतकालीन सत्र में जे हिनका द्वारा पूछल गेल सवाल हो वही सवाल के जे हिनका माकुल उमर से जवाब भेटलन है से केंद्रीय विद्यालय के जे अथी छे मांग छे ते के लौटो या फिर वही के बाद सिक्की मोनी हो मिथिला पेंटिंग हो एक तमाम चीज जे हम हिनका से सवाल पूछल गेल ते के बढ़िया जवाब भी दिलन आ प्रखरता के संग ये जवाब दिलन। तो आजुक इंटरव्यू में हमरा सब एतबा सवाल जवाब करब और फिर जे हिनका संगे किछ दिन बाद एक नया साक्षात्कार करवा के सर ते पर फिर नाना तरह या फिर अन्य अन्य विषय पर इनका से बात करो। सर मिथिला मिरर के समय दबा दिया अपने के बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी एक कार्यक्रम के लिए। इछला है वीरेंद्र कुमार चौधरी झंझारपुर संसदीय क्षेत्र से बीजेपी सांसद आ अपने लोकनिक जे समाज पठायल छल सोशल मीडिया पर या हमरा मन में या सार्वजनिक सामूहिक जे प्रश्न छले से प्रश्न हिनका से पूछलियन वो प्रश्न जनबाक कोशिश कलूँ। आजुक अंक में बस एतबे आ अगला अंक में जे फिर हम एहने कोनो नवका एकटा पाहुन आ राजनीतिक या फिर अन्य समसामयिक विषय से जुड़ल या समसामयिक सरोकार से जुड़ल लोग के हस्ती के लौटायब। ताभिर के लिए अपन सहयोगी राजन कुमार झा और कैमरामैन राहुल कुमार झा के संग हम ललित नारायण झा अपने सबसे इजाजत चाहे छी, नमस्कार।